बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और हमारा खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आए हैं दिल्ली के रानी बाग क्षेत्र में, जहां का यह बाजार मशहूर है। इस क्षेत्र के बहुत से प्रबुद्ध जन हमारे बीच में हैं और वही बताएंगे कि व्यापार के साथ साथ इस क्षेत्र की प्रसिद्धि के भी बारे में, मौजूदा समय में और जो समय अभी बीता है, जिसे हम सब ने झेला है, देखा है, महसूस किया है। तो हमारा यह खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, वह व्यापारियों की आवाज़ बनकर एक बार फिर से रानीबाग बाजार में आई है और व्यापारियों से ही जानेंगे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के व्यापारियों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह हमारा कार्यक्रम जो आपके लिए है और आपकी आवाज़ है, किन किन दिक्कतों का सामना आपके व्यापारी कर रहे हैं आज के मौजूदा समय में, इसके बारे में बताएं। देखो जी, सबसे पहले तो मेरे को ये खुशी हुई है कि इस दिल्ली के बारे में भी किसी ने सोचा है, किसी चैनल ने सोचा इस दिल्ली के बारे में। नहीं तो सारे चैनल इंडिया गेट और कनॉट प्लेस तक सीमित रह के वहीं का मौसम दिखा के ख़त्म कर देते हैं। इस दिल्ली की कोई प्रॉब्लम नहीं बताते। प्रीतमपुरा में जाम है, प्रीतमपुरा में पानी भरा है, रानीबाग में पानी भरा हुआ है, इधर की कोई प्रॉब्लम है, शालीमार की बाग की कोई प्रॉब्लम है, इस दिल्ली में कोई आता ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ, रानीबाग में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ सारी एसोसिएशन की तरफ से। मैं रानीबाग व्यापार महासंघ का चेयरमैन हूँ और हमारे पास 6 एसोसिएशन है और तकरीबन 1200 दुकानें हैं, फिर भी हमारे कोई सूद लेने वाला कोई नहीं है हमारे पास। अगर अभी पीछे पानी भरा, आपको पता है सारी दिल्ली में भरा, तो वो कहते हैं जी MCD को कहो, MCD वाले कहते हैं दिल्ली सरकार को हम किसके पास अपना रोना रोए। 4-4 दिन 5-5 दिन दुकानें बंद रही हैं, पानी इतना भरा हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहते हैं उसको करो, वो कहते हैं उसको करो। एक बात तो ये हो गई जी, दूसरी बात ये हो गई जी, जब हम यहाँ पे ट्रैफिक साहब ट्रैफिक वालों को बोलते हैं, SHO ट्रैफिक को बोला, TI को बोला, अभी मेरे पास टाइम नहीं है जी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है जी, अब कब आएंगे जी, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद निकल गया, एक फ़ोन नहीं आया, एक फ़ोन उनका भाई किसी का फ़ोन नहीं आया, भाई हम आ रहे हैं आपके पास, क्या प्रॉब्लम है, कोई सूद लेने वाले नहीं है। फिर रही आपकी MCD की बात, सारी रेहड़ियाँ, कुल्फ़ी की रेहड़ियाँ, आइसक्रीम की रेहड़ियाँ, ये चौक पे रिक्शे वाले सब गिरे रहते हैं, MCD को बोलते हैं उनमें से कोई नहीं आता जी, वो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ी नहीं है। हम काउंसलर साहब को अगर बोलेंगे वो कहेंगे जी तो गाड़ी उनके पास नहीं है, अब गाड़ी नहीं है तो ये भी हमारे कसूर है, ये भी व्यापारियों का कसूर है। अब रही जी तीसरी बात, ये ई रिक्शे वाले सारे जाम करके रखते हैं जी, हम अपने गार्ड लगा रखे हैं प्राइवेट गार्ड इनको हटाने के लिए, मगर आपको पता है प्राइवेट गार्ड की कोई सुनता नहीं है। दिल्ली पुलिस को कह के थक गए, भाई यहाँ 2 कांस्टेबल हमारे को दे दो जो ये ट्रैफिक चौक को सही रखे, मार्केट को सही रखना हमारा काम है। मार्केट आप चल के देखो एकदम सही है, इस इलाके में देखो आप चल के बिल्कुल सही है, ये चौक पे उनको बोलते हैं 2 कांस्टेबल दे दो, जो एक दिल्ली पुलिस का और एक ट्रैफिक का, वो अपने आप अपना काम करते रहे, कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं करता। हाँ जी, ये तो बात हुई मूलभूत समस्याओं की जिस पर अभी हम लोगों ने बात की। अब हम आते हैं व्यापार की दिशा में, जहाँ पर बैंक से लेकर और टैक्सेशन तक, फाइनेंस से और टैक्सेशन में आप लोग छोटे कारोबारियों को किस तरह की दिक्कत या ठीक ठाक चल रहा है? ऐसे है जी, सेल टैक्स वगैरह की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकम टैक्स तो अब सिस्टम ऐसे बना दिए हैं जो जिसने देना हो अपना दे देता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारे को ये नहीं है कि भाई दुआब नहीं है, जैसे ऐसा पहले प्रेशर होता था कि भाई इनकम टैक्स वाले इंस्पेक्टर आ जाते थे या सेल टैक्स वाले आ जाते थे, वो अब नहीं है, ये बात में हमारे को राहत है। बाकी ये है कि हम जितना टैक्स देते हैं उतनी हमारे को राहत नहीं है, सुविधा नहीं है उतनी, बिल्कुल सुविधा उस हिसाब से नहीं है कि इन्होंने हमारे को मतलब उसके हिसाब से जीरो समझा हुआ है जी। आखिरकार सरकार व्यापारियों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है, यह सवाल उभर कर सामने आया और अब हम बात करेंगे कि आखिरकार और क्या क्या किन किन समस्याओं से यहाँ के व्यापारी जूझ रहे हैं।
सर अपना नाम बता दें। मैं रविंदर गोगिया। रविंदर जी एक बताएं कि यहाँ पर जो व्यापार है, जो दुकान है, छोटे छोटे दुकानें हैं, एक दुकान में लगभग 5 से 7 लोग काम भी करते होंगे, उनका रोजगार भी चलता है, रोजगार भी दे रहे हैं, तो सरकार से क्या और उम्मीद है आपको, क्या दिक्कत क्या है? सरकार से उम्मीद, चावला साहब ने कहा, उनकी बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं कि भाई जो है ना, हमारे को मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही हैं, होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रानीबाग व्यापार जो है पूरा पीतमपुरा को लगता है, पूरी रोहनी जो है शाम को जो है ना, ये रोहनी वाले जो है ना वहाँ से निकलते हैं तो कहते हैं कि हम शहर जा रहे हैं, और आते कहाँ हैं वो रानीबाग। रानीबाग आने के बाद में उनको हर प्रकार की जो सुविधा मिलती नहीं है, लेकिन हर प्रकार की चीज़ों की दुकानें तो हैं, हर प्रकार की ट्रेड्स की दुकान तो हैं, बहुत अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है, चालो साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी रानीबाग से टच है ना, हमारे को यहाँ पर मेन है पार्किंग की, जो पार्किंग है, अगर ये पार्किंग मूलभूत से मिल जाए हमारे को और पार्किंग की समस्या हल हो जाए तो उसके अंदर क्या है कि 50-60-70% समस्या जो है वो हल हो जाएंगी। ये बाकी जो है ना, ये रोशनलाल आहूजा जी हमारे, इनकी इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, इन्होंने पीछे जो इस बारे में काफ़ी कोशिश भी की है। पार्किंग की समस्या के बाद में हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद हैं, जो कि अगर हम लोग बात करें शासन और प्रशासन की, तो उसका भी तजुर्बा हमें आपको सुनाने को मिलेगा। ऐसा है कि ये बाज़ार जो रानीबाग का है, कम से कम भी सन 1955 से पहले का है, इतना पुरानी मार्केट ये है जो आज तक बची है, और ये बाज़ार सुई से लेकर सोने की आपूर्ति करता है, जितना भी पीतमपुरा की सोसाइटीज़ हैं टोटल, उनको ये बाज़ार जो है सूट करता है, वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। यहाँ महंगे से महंगी चीज़, सस्ती से सस्ती चीज़, अच्छे से अच्छी चीज़, हर किस्म की चीज़ चाहत की मिलती है। मेन समस्या यहाँ जो है वो कॉरपोरेशन से लिंक है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 13 साल में यहाँ से निगम पार्षद रहा हूँ, 1983 से लेकर 1991 तक कॉरपोरेशन की एक प्रथा होती थी कि बरसात के मौसम से 3 महीने पहले नालों की सफाई की जाती थी, गाद निकाली जाती थी, पानी की निकासी होती थी। आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी आप दिल्ली सरकार के उसमें जाइए, दिल्ली सरकार कहता है ये आप कॉरपोरेशन के पास जाइए। आज यहाँ सीवर की समस्या इतनी है कि यहाँ पर आउटफॉल कोई नहीं है, ट्रंक सीवर से कहीं लिंक नहीं है, सिर्फ इस नाले से उस नाले में, यहाँ पंप लगा दो उस नाले में, उस पंप से उस नाले में पानी, लोगों की दुकानों के अंदर आज जो ये बरसातें गई है, लोगों की दुकानों के अंदर पानी गया है। लानत है ऐसी कॉरपोरेशन के ऊपर, लानत है ऐसे काउंसलर के ऊपर, क्या कर रहा है काउंसलर, जब सफाई तक नहीं हो सकती क्या करें। यहाँ पर हमारे ज़माने में भी काउंसलर थे, उस टाइम पर तो बजट भी कुछ नहीं था, लेकिन नीयत ठीक थी, नीति ठीक थी, व्यवस्था ठीक थी, दिल में एक सड़क थी कि मैंने पब्लिक के लिए ईमानदारी से काम करना है, पब्लिक को सुविधा देनी है। आज ये हालत है कि सिवाय गंदे पानी के और पीने को कुछ नहीं मिल रहा, सीवर की ये हालत है, नालियों की ये हालत है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत अच्छा, ये समस्याएँ हैं और समस्या अगर है तो उसका समाधान भी यहीं से निकलेगा, लेकिन कब तक निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन हम और बात करेंगे, हमारे यहाँ के बाज़ार के प्रधान हैं और उनसे बात करेंगे। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रानीबाग मतलब बबली गुलाटी प्रधान बोल रहा हूँ। मेरे को ना जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हो गया काम, मुझे ये हर बार ही बना देते हैं कि प्रधान जी बबली गुलाटी जी तुम बनो, पर मेरे को इतनी समस्या हो जाती है कि मैं अपने आप से ही परेशान हो जाता हूँ। अब के मैं इतना परेशान हो गया कि अगली बारी मैंने बनना ही नहीं चाहे मेरे घर में कोई भी आ जाए, क्यों ना तो यहाँ वनवे है, वनवे की कोशिश करते हैं वो चल नहीं पाता, ट्रैफिक वाले को बुलाते हैं काम के लिए वो चलान कर देता है, तो पहले परेशान दोबारा वो गाहक परेशान, तो इसलिए भैया हम बहुत परेशान हैं। और मैंने हाथ जोड़ दिए एसोसिएशन के आगे कि मेरे बंडा छोड़ो, मैं जवानी से बुढ़ापे तक हो गया हूँ, लेकिन ये मार्केट ठीक नहीं हो रही, फुटपाथ है चलने के लिए, वहाँ लोग अपना बिजनेस करते हैं तो कस्टमर को जगह नहीं मिलती, जैसे पापा जी कह रहे थे, तो जगह नहीं मिलेगी तो गाहक कहाँ से आएगा, तो ग्राहकों को सुविधा नहीं मिल रही है। रोल में हो गया चालू। हाँ भाई मैं एक और कहना, यहाँ पर नेता ज़्यादा है काम कम है, मैं बिना प्रेस के रहता हूँ, वो अपनी माया लगाते हैं, तो थोड़ी माया मार्केट में लगा देगी तो माया उनको भी आने लग जाए, दुकानदारों को तो माया ज़्यादा लगाते हैं, तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कपड़ों पे, तो माया कम लगाएं, थोड़े इधर भी ध्यान करें, वे हमारी बचपन से लेकर ना बुढ़ापे हो गया हमारे को, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे बच्चे आएंगे उनका क्या भविष्य होगा, जब हमारे से ये ठीक नहीं हुई तो आगे कैसे होगा, तो बहुत परेशान है हम। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज़ है, व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज़ है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।